इसराइल की बमबारी जारी, गाजा पट्टी ने हमास का किया खात्मा। नमस्कार, मैं हूँ सुमेश्ता बिश्नोई और आप देख रही हैं ट्रिपल एस न्यूज। इस समय की बड़ी खबर हमास और इसराइल युद्ध को लेकर। हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमले के बाद से सब कुछ तबाह हो गया है। 23 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी में इसराइल की वायु सेना ने जवाबी हमले किए, जिसमें अभी तक 900 लोग मारे जा चुके हैं और 4600 लोग घायल हो चुके हैं। मरने वालों में 260 बच्चे और 230 महिलाएं शामिल हैं। हम आपको बता दें, इसराइल ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी कर दी है, जिसके बाद से ही भोजन, पानी, ईंधन और जरूरी सामानों की सप्लाई भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। गाजा में इजरायली सैनिक हमास के आतंकियों की तलाशी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। हमास के हमले में इसराइल के लगभग 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, वही कईयों का अपहरण भी कर लिया गया है। मरने वालों में 156 सैन्य कर्मी है और ये इस समय की बड़ी खबर है, जहाँ पर इसराइल ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी करने के बाद में वहाँ पर जाने वाले जरूरी सामानों की, भोजन, पानी, ईंधन और जरूरी सामानों की जो सप्लाई है वो पूर्णतः बंद कर दी गई है।